गुजरात बोर्ड एसएससी एग्जाम रिजल्ट, बिल्कुल। आप जाओ मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, जहां मर्जी देखना चाहते हैं आप जाओ आसानी से देख सकते हैं। इस रिजल्ट को देखने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो मर्जी आप यूज़ कर रहे हैं उसके इंटरनेट ब्राउज़र में आपको जाना होगा और वहां पर जाओ आपको लिखना होगा indiaresults.com। बिल्कुल, आपको लिखना होगा indiaresults.com। वहां पर आप जाओ स्टेट का चुनाव कर लीजिए अपने, यहां पर गुजरात, तो गुजरात चुनाव कर लीजिए और यहां पर जाओ आपके वो सारे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं जो गुजरात की तरफ से लॉन्च हुए हैं। यहाँ पर जाओ अभी जैसे ही लॉन्च हो जाता है यहाँ पर जाओ अवेलेबल नाउ, ये है इसके नीचे। यहाँ पर देखिए आपको सीनियर सेकेंडरी का 10th का रिजल्ट देखने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर जाओ सेकेंडरी क्लास का जाओ आपको मिल जाता है, एसएससी का देखने को मिल जाता है। तो आप जाओ इसके ऊपर क्लिक करके आसानी से आगे बढ़ के अपना रिजल्ट जो है वो देख पाएंगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर, जैसे इसका जो है वो लॉन्च हो जाता है। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं और लॉन्च हो चुका है तो वहाँ पर आपसे नाम, रोल नंबर, कुछ भी जानकारी पूछी जाएगी, आपकी सीट नंबर वगैरह वो आपको एंटर करनी है और उसके बाद जो है वो आसानी से रिजल्ट देख पाएंगे आप। यहाँ पर जो GSEB एक वेबसाइट है ऑफिशियल, जो उस पर भी जाकर के आप जो अपना रिजल्ट देख सकते हैं, GSEB.org.in। यहाँ पर आपको जो अपना मार्कशीट वगैरह जो है वो एंटर करनी होगी। ये है गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट। यहाँ पर जो आप अपनी डिटेल्स को एंटर करने के बाद आसानी से रिजल्ट देख पाएंगे, रिजल्ट का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आसानी से जो आप गुजरात बोर्ड के एसएससी का एग्जाम रिजल्ट जो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो जानना चाहते हैं कि गुजरात बोर्ड का रिजल्ट जो वो कैसे देख सकते हैं। साथ के साथ सब्सक्राइब बटन दबा करके घंटी के आइकन को दबा लीजिए आने वाले समय में इस तरह की और जानकारियों को जानने के लिए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट में डालिए आपको जानकारी कैसी लगी और आप क्या नया जानना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए कैसे करें।